यूक्रेन युद्ध में रूस ने खूंखार रूप अपनाने के साथ खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है। दो देशों के बीच चल रही विध्वंसक लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। रूस अपनी सेना और मिसाइलों के साथ गरम तेवर दिखा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी बदले की आग में मौत के गोले दागने से पीछे नहीं हट रहा। दो साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। वहीं अब रूसी सेना ने यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर एक बार फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति के माथे पर शिकन लाने का काम किया है। हाल में रूसी सेना ने दोनेस के सेमियोनोवका गांव पर कब्जा जमाया है। खुद यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने डोनबास में पीछे हटने की बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना सेमियोनोवका और एक अन्य गांव बर्डीची को छोड़ चुकी है। रूस ने अपने घातक एफपीवी ड्रोन्स की मदद से यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करने का एक वीडियो भी जारी कर अपने दावे की पुष्टि की है। इस वीडियो में यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले दिखाए गए हैं। हमले की वीडियो एफपीवी ड्रोन पर लगे कैमरों से ली गई है, जब वे दुश्मन के ठिकानों के पास आ रहे थे। इसमें मानव रहित ड्रोन्स को सटीक रूप से निशाना साधते हुए देखा जा सकता है, जो अक्सर जंगली इलाकों या फिर बस्तियों के पास स्थित होते हैं या फिर छिपे होते हैं। रूस के सटीक हमलों का ही नतीजा है कि यूक्रेन को भारी भरकम संख्या में सैनिकों को खोना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो मॉस्को के सैनिकों ने सेमियोनोवका और आसपास के कुछ गांवों में यूक्रेन की ओर से किए गए 10 जवाबी हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया था। इस ऑपरेशन में कीव ने करीब 370 सैनिकों को खो दिया। सेमियोनोवका अवदीवका के रणनीतिक डोनबास शहर के पश्चिम में स्थित है, जिस पर फरवरी में मॉस्को की सेना ने कब्जा किया था। रूस तब से ही क्षेत्र में यूक्रेनी सुरक्षा को तोड़ते हुए आगे बढ़ने और कई छोटी बस्तियों पर कब्जा करने में कामयाब रहा है। यूक्रेन को कुछ सहायता मिलनी शुरू भी हो गई है, मगर इसमें और तेजी लाने की सख्त जरूरत है। रूसी सेना ने बीते रविवार को कहा था कि उसने पास के गांव नोवोबाखमुतिवका पर कब्जा कर लिया है। उससे पहले बीते शनिवार को मॉस्को ने कहा था कि दोनेस शहर के आसपास उसके सैनिक यूक्रेनी डिफेंस लाइन को भेदने में कामयाब रहे हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना की हालिया तेजी ने एक बार फिर रूस का यूक्रेन पर पलड़ा भारी कर दिया है। वहीं हथियारों की सुस्त सप्लाई से बेचैन यूक्रेन लगातार पश्चिम के सहयोगियों को कोस रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस आक्रामक होने के लिए पश्चिमी हथियारों की धीमी डिलीवरी का फायदा उठा रहा है। पिछले हफ्ते रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा था कि मॉस्को की सेना ने पश्चिमी हथियारों की श्रेष्ठता के मिथक को दूर कर दिया है। साथ ही दावा किया था कि कीव ने एक हफ्ते के भीतर 8,000 से ज्यादा सैनिकों को खो दिया। साथ ही अमेरिका के हिमार्स और चेक रिपब्लिक की ओर से सप्लाई किए गए RM-70 वैम्पायर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर समेत दर्जनों पश्चिमी हथियारों को नष्ट कर दिया गया है। शोइगु ने सोमवार को बताया कि मॉस्को की सेनाएं अब युद्ध के मैदान में मजबूती से आगे बढ़ते हुए कब्जे कर रही हैं और यूक्रेन को लगातार पीछे धकेल रही हैं।